नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चुरिया की खुज्जी विधानसभा के कापा में मन की बात का 100वां प्रसारण हुआ, जिसमें जिला बीजेपी मंत्री कैलाश शर्मा सहित साथियों ने प्रसारण को सुना। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कैलाश शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी को लोग पावरफुल नेता मानते हैं, वो उन्हें फैसले लेने वाला ऐसा नेता मानते हैं जो लोगों के साथ भावनात्मक रिश्ता कायम कर लेते हैं। शर्मा ने कहा कि पीएम ने मन की बात में जलवायु परिवर्तन, कृषि, सलाह, संस्कृति और स्वास्थ्य सभी विषयों को शामिल किया है। इसका खास मकसद देश को एक सूत्र में बांधना और सबको साथ लेकर विकास करना है। पूरे देश की जनता और कुज्जी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मन की बात को बहुत सार्वजनिकपूर्वक और बहुत उत्साह के साथ सुना। देश की जनता और क्षेत्र की जनता नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानती है और उनके एक एक बात पर भरोसा करती है। मोदी जी के मन की बात को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिस ढंग से उत्साह और सुनने के लेकर जो लड़ाचा रहती है, निश्चित तौर पे हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। हम सबका तो यही मानना है कि मोदी जी जिस तरह से 100वां एपिसोड को कम्प्लीट किए हैं, आने वाले समय में वो 100 एपिसोड मतलब जैसे शतक होते हैं, तो आने वाले समय में 2000 शतक भी मारे, यही हम सबका सोच है और हम सबकी उम्मीद भी है कि मोदी जी इसी तरह हम सबका मार्गदर्शन करते रहे। रायपुर से बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी उमाथुर का बड़ा बयान, कांग्रेस के पूर्ववर्ती शासन पर साधा निशाना। पीएम मोदी मन की बात करते हैं, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं पीएम। कांग्रेस के लोग कुछ अलग ही बात करते थे, कांग्रेस के युवराज को अक्ल कैसे आई ये बात करते थे। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी रायपुर से। बीजेपी प्रदेश प्रभारी उमाथुर का बड़ा बयान, कांग्रेस के पूर्ववर्ती शासन पर निशाना साधा। पीएम मोदी मन की बात करते हैं, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, कांग्रेस के लोग कुछ अलग ही बात करते थे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस के पूर्ववर्ती शासन पर निशाना साधा पीएम मोदी मन की बात करते हैं। उमाथुर ने कहा कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं पीएम, कांग्रेस के लोग कुछ अलग ही बात करते थे। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी उमाथुर का बयान, कांग्रेस के पूर्ववर्ती शासन पर साधा निशाना। पीएम मोदी करते हैं मन की बात और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं पीएम। बात करते थे उनके युवराज को समझ में कैसे आवे, अक्ल कैसा है वो करते थे। तो थोड़ी सी अक्ल आई है, वो कम से कम मंदिर जाने लगे, जनेऊ पहनने लगे, मस्जिद जाने लगे। इतनी अक्ल शायद उनके 60 साल 65 साल के विश्लेषण में आई होगी, ऐसा मेरा मानना। वो अपने परिवार की बात करते थे, उनके युवराज को समझ में कैसे आवे, अक्ल कैसा है वो करते थे। तो थोड़ी सी अक्ल आई है, वो कम से कम मंदिर जाने लगे, जनेऊ पहनने लगे, मस्जिद जाने लगे। इतनी अक्ल शायद उनके 60 साल 65 साल के विश्लेषण में आई होगी, ऐसा मेरा मानना। वो अपने परिवार की बात करते थे, उनके रायपुर में मानक प्रचालन प्रक्रिया अनुसार वन्य प्राणी चिकित्सकों की टीम ने बाघिन को रेडियो कॉलर लगाया गया। इसके बाद बाघिन अनुकूल रहवास में छोड़ दी गई है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि खुले जंगल में बाघिन को छोड़े जाने के बाद अब अगले एक महीने तक उसके मूवमेंट का पता लगाया जाएगा। अचानक आपको बताते कि टाइगर रिजर्व में बाघों के कुंभे को बढ़ाने के लिए यह पहल की गई है। खबर चुरिया से है, जहां बारिश होने से गर्मी और उमस से राहत मिला है। वहीं नगर सहित क्षेत्र में बारिश होने से बिजली बंद हो गया है। बताते हैं कि नगर सहित गांव में शादी ब्याह के समय बारिश होने के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वें प्रसारण प्रदेश प्रदेश में सुना गया। रायपुर ग्रामीण विधानसभा के लालपुर के बूथ नंबर 267 में मन की बात का कार्यक्रम सुना गया। उसके लाभार्थियों का सम्मान और समाज प्रमुखों का सम्मान किया गया, जिससे साहू समाज, देवांगन समाज, सतनामी समाज, आदिवासी समाज के प्रमुखों सहित रायपुर सांसद सुनील सोनी ने सुना मन की बात। और जांजगीर चांपा के ग्राम सेमरा मंडल नवागढ़ में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल मन की बात का 100 एपिसोड सुने। तो देश प्रदेश में मन की बात आज सुना गया। लालपुर में आपको बता दें मन की बात सुनी गई। मन की बात कार्यक्रम का 100वां प्रसारण हुआ आज, जिसे पूरे देश भर में सुना गया। शोर में रहने वाला संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, बुनकर के क्षेत्र में, सुरक्षा के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में और एकर अलावा जिन छुपे हुए से वो कलाकार का निकाल करके आगे लाना, कई जिन पर्यावरण के सुरक्षा के लिए पेड़ लगाए के जो काम करे हवे, कौन मन नदी का टप बंद करे के काम करे हवे, गांव में पानी का रोके के काम करे, गांव में सड़क बनाए के काम करे, अलग अलग रूप में जिन सेवा करे है, वो सब को समाज के बीच में निकाल करके लाए के प्रयास मोदी जी के द्वारा करे गए। कलचूरी कला समाज छिंदवाड़ा ने नगर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कलचूरी समाज के सदस्यों ने बताया कि बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कलचूरी समाज के भगवान के ऊपर अभद्र टिप्पणी भी की गई है, जिससे कलचूरी कलार समाज के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिस वजह से समाज के लोग बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन के माध्यम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आज कलचूरी कलार समाज छिंदवाड़ा सीएसपी ऑफिस में मैडम को ज्ञापन देने के लिए आया है। जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो तथाकथित पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वालों का है। इन्होंने कलचूरी समाज के आराध्य, हमारे भगवान की तरह पूजनीय श्री सहसार्जुन महाराज के विषय में अनर्गल टिप्पणी की है और ऐसे शब्दों का, ऐसे भाषा का उपयोग किया है जो हम आप लोगों के सामने आ कह नहीं सकते। और हमारी धार्मिक भावनाओं को उन्होंने बहुत ज़्यादा आहत किया है और पूरा समाज इस बात को लेकर आक्रोशित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण को सुनने के लिए बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आरंग ने भानसोज गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया है। बताते हैं कि बूथ संख्या 42, 43, 44 में बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। साथ ही राजभवन से राज्यपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए। रायपुर से बड़ी जानकारी बीजेपी नेताओं ने सुनी मन की बात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ग्राम भानसोज में सुनी मन की बात। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने सुनी मन की बात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, ग्रामीण संघ बीजेपी नेताओं ने मन की बात सुनी है। तो ग्रामीण संघ बीजेपी नेताओं ने मन की बात सुनी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रायपुर से बीजेपी नेताओं ने सुनी मन की बात। ग्राम भानसोज में मन की बात कार्यक्रम को सुना। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने मन की बात सुनी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। ग्रामीण संघ बीजेपी नेताओं ने मन की बात सुनी।
वरिष्ठ भाजपा नेता एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ धार्मिक यात्रा करने के लिए उत्तराखंड पहुंचे हैं। बता दें कि उन्होंने डोल आश्रम अल्मोड़ा उत्तराखंड में आयोजित श्रीमद भगवत कथा का श्रवण किया। इस अवसर पर व्यासपीठ पर विराजित प्रख्यात कथावाचक भाई रमेश भाई ओझा से आशीर्वाद भी प्राप्त किए और उनसे छत्तीसगढ़ पधारने का आग्रह भी किया। रायपुर से बड़ी जानकारी, कांग्रेस आज कर रही महंगाई की बात। महंगाई के मुद्दे पर रायपुर पश्चिम में कई आयोजन, गैस सिलेंडर लेकर कांग्रेस ने निकाली रैली। शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे ने किया प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको बता दें, विधायक विकास उपाध्याय ने किया अनूठा प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, शहर अध्यक्ष ने किया प्रदर्शन, विधायक विकास उपाध्याय ने किया प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से कांग्रेस आज महंगाई की बात कर रही है। महंगाई के मुद्दे पर रायपुर पश्चिम में कई आयोजन हुए, गैस सिलेंडर लेकर कांग्रेस ने निकाली रैली। शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे ने किया प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको बता दें, विधायक विकास उपाध्याय ने किया प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी रायपुर से, कांग्रेस आज जो कर रहे महंगाई की बात। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं, हाथ में सिलेंडर लिए रैली निकाली गई और कांग्रेस आज महंगाई की बात कर रही है। गैस सिलेंडर लेकर कांग्रेस ने रैली निकाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वां कार्यक्रम पर विधायक विकास उपाध्याय ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम में जनता के बारे में बात करते हैं, लेकिन जनता की मन की बात नहीं सुन रहे हैं और ना ही भाजपा के तमाम नेता जनता की तकलीफ सुन रहे हैं। बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई की बात नहीं करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसके लिए वो रायपुर पश्चिम विधानसभा के सभी वार्ड में रैली की जाएगी, धरना प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही कांग्रेसी प्रदर्शन करेंगे। कल प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 100वां एपिसोड है। 100 बार जनता के बीच में वो मन की बात कर चुके हैं, लेकिन जनता की मन की बात वो सुन नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेता, जो जनता की तकलीफ है, आम आदमी की जो तकलीफ है, आम आदमी की जो समस्या है, जो लगातार आम आदमी को एक बड़े बोझ के तहत दबाने का काम कर रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता नहीं सुन रहा है। कल 100 पाठ हो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी को मन की बात कहते। कल कांग्रेस पार्टी महंगाई की बात आम जन के साथ का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आम जनता की जो पीड़ा है, खाने का तेल, रसोई गैस, पेट्रोल डीजल, अन्य खाद्य पदार्थ और हर प्रकार की चीजों को महंगा करना, बढ़ती बेरोजगारी और लगातार प्रदेश के और देश के हर कोने में लोगों का काम छिना रहा है। कोरोना के बाद स्थिति और खराब हो गई, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं। प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात करते हैं, जनता की बात सुनते नहीं। कल रायपुर पश्चिम विधानसभा के 200 वार्ड में रैली की जाएगी। रायपुर से बड़ी जानकारी, सीएम निवास में योजना के हितग्राहियों को राष्ट्रीय अंतरण कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने योजना के हितग्राहियों को राशि की अंतरित। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हितग्राहियों को प्रति माह दिया जाएगा 250 रूपये। 66,265 पात्र हितग्राहियों को राशि की गई अंतरित। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी रायपुर से। बड़ी जानकारी अहम खबर, 67,265 पात्र हितग्राहियों को राशि। सीएम भूपेश ने बेरोजगारी भत्ता योजना का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने योजना के हितग्राहियों को राशि के अंतरित। हितग्राहियों को प्रतिमाह दिया जाएगा 2,500 रूपये।
रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 67,265 पात्र हितग्राहियों को राशि अंतरित की जाएगी। सीएम भूपेश ने बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने योजना के हितग्राहियों को राशि अंतरित की। रायपुर से बड़ी जानकारी, बेरोजगार युवाओं को मिला बेरोजगारी भत्ता। 17.50 करोड़ रुपए का बेरोजगारी भत्ता मिला है। 70,000 युवाओं के बैंक खाते में पहुंचा भत्ता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्रांसफर के भत्ते की राशि, युवाओं को हर महीने 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बड़ी जानकारी आपको बताते, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्रांसफर की भत्ते की राशि, युवाओं को हर महीने 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बताते, रायपुर से बेरोजगार युवाओं को मिला 17 करोड़ रुपए का बेरोजगारी भत्ता। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। जहां उन्होंने कहा कि 15 सालों में उनकी दृष्टि अलग है। उन्होंने कहा कि गोली के बदले गोली, बंदूक के बदले बंदूक, इससे कोई समस्या का समाधान नहीं है। देखिए, उन्होंने एक बात तो सही कि 15 साल में, क्योंकि उनकी दृष्टि अलग थी कि गोली के बदले गोली, बंदूक के बदले बंदूक, तो ये इससे कोई समस्या का समाधान नहीं है। एक दूसरा पक्ष है जो ये समझते हैं कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको हल किया जा सके, और हम लोगों ने हमने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। उसमें विश्वास पहले वहाँ के लोगों का जीते और फिर विकास करें और फिर सुरक्षा प्रदान करें, फिर तीन त्रिवेणी के माध्यम से हम लोगों ने काम किया। और विश्वास अर्जित करने के लिए बहुत लंबा और बड़े फैसले करने पड़े, लंबा समय लगा, और क्योंकि आदिवासियों के सबसे पहले हमने जमीन वापसी काम किया, ऋण माफी किया, उसके उपज है उसे खरीदी की व्यवस्था की, फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस दिशा में काम किया। उसके बाद विकास के बहुत सारे, जो चाहे सड़क बनाने काम है, चाहे पीडीएस साफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो निर्माण की जो उसकी आवश्यकताएं थी, तो उनको लगा सरकार हमारी सरकार है और हमारे विकास के लिए काम कर रही है, तो लोगों को विश्वास बढ़ा। और विश्वास बढ़ने के कारण से आप बहुत सारे आप पैमाने आप देखेंगे, जितने भी इंडेक्स आप देखेंगे उसमें बस्तर हो, आदिवासी अंचल में खूब तेजी से बढ़ा है और उसका लाभ ले पाए हैं। और इस कारण से जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जनता का विश्वास छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर। बीजेपी विधायक बीरनपुर पहुंचे थे। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया था कि तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, जिसके पलटवार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि न्याय की बात है, जो भी आरोपी होगा सलाखों के पीछे होंगे और वही काम हो रहा है। वहां नौजवान भरोसा साहू की हत्या हुई तो उस समय हथियारों को पकड़ लिया गया था, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। न्याय की बात है, जो भी मैं पहले भी बोला था कि जो भी आरोपी होगा वो सीखों के पीछे होंगे और वही काम हो रहा है। यदि वहां जो नौजवान भुवनेश्वर साहू, वही नाम है ना, उसकी हत्या हुई है, तो 11 उस तत्काल पकड़ लिया गया था, उसमें एक फरार था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, किसी को छोड़ा नहीं गया। जो आगजनी किए थे, जिन्होंने और हत्याएं की, तो जो जो भी हैं किसी के अधिकार नहीं कि किसी घर जला दें, किसी की हत्या कर दें, चाहे कोई भी हो, तो न्याय तो सबके लिए है ना। तो इसमें तुष्टिकरण कहां से बात आ गई? जो आरोपी है वो जेल के पीछे, जेल में है, पुलिस की कस्टडी में है, और उसके लिए हमने जो समाज के लोगों ने मांग की थी, हमने मुआवजा घोषणा भी की। डॉक्टर रमन जी ने ट्वीट किया, जल जीवन मिशन को लेकर वो बोल रहे हैं, उसको लिखा है कि तीसवा स्थान पर क्यों है, और उन्होंने ये भी लिखा है, वो तो भाई ऐसा है, प्रधानमंत्री जी पूछ ले, वो विज्ञापन दिए थे छत्तीसगढ़ में कि हाँ हमने उपलब्धि की है, 17 लाख परिवारों को घरों में हमने नल जल योजना पहुंचा दी है, तो रमन सिंह जी प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछ ले। सीएम भूपेश बघेल को डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ वासियों, अधिकारियों को
इसका श्रेय दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर बघेल ने कहा है कि दरअसल छत्तीसगढ़ की मेहनत का फल है, किसान मजदूर आदिवासी हैं और जनप्रतिनिधि अधिकारी हैं, उन्होंने इस काम को एक मुकाम तक पहुंचा है। हम लोग इस मामले को उठाते रहते थे, लेकिन जब खुद को अवसर मिला तब काम करना और उसको धरातल में उतारना एक बहुत कठिन काम है। इसी सैद्धांतिक रूप से आप लेख लिख सकते हैं, विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उसको जब जमीन में उतारना हो तो आपको दिन रात खटना पड़ता है। तब जाके मैं तो पहले अधिकारियों को जब बताया कि नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी क्या है तो वो लोग आईएएस अधिकारी सब नोट करते थे, तो उसको एनजीजी भी बना दिए शॉर्ट फॉर्म में, फिर नरवा क्या है, गरवा क्या है, गुरुआ क्या है, बाड़ी क्या है, वो सब समझना शुरू किया। और जब उसको फील्ड में उतारे तो बड़ी कठिनाई आई, एक एक जगह जाके समझाना पड़ा, बताना पड़ा, तब जाके स्वरूप में आया है। और आज अच्छा लगता है कि जो सम्मान मिला है एक्चुअल में उन किसानों के, उन मेहनतकश मजदूरों के, ग्रामीण अंचल या जंगलों में जो हमारे आदिवासी या परंपरागत रूप से जो निवास करने वाले लोग हैं उनके मेहनत को सम्मान मिलना जैसे महसूस हो रहा है। उन साथियों को भी बहुत बहुत बधाई, हालांकि डॉक्टर की उपाधि मुझे मिली है, लेकिन मेरे साथ जितने भी लोग काम किए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि मन की बात देसी भाषा और 11 विदेशी भाषा में प्रसारित हो रहे हैं। यह कार्यक्रम इतना लोकप्रिय हुआ है कि 27 जनवरी 2015 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया, भारत के जनता के प्रश्नों के उत्तर दिए। मन की बात में ये देश की उपलब्धियां हैं, सांस्कृतिक परंपराएं हैं, त्यौहार हो, पर्यावरण संरक्षण हो या फिर समाज सुधार जैसे सारे विषयों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी चर्चा करते हैं। एक अभियान के रूप में पूरे देश में मन की बात का निर्माण किया गया। त्यौहार है, पर्यावरण संरक्षण है, समाज सुधार और जन जागरण के विषय है, ऐसे सारे विषयों को लेकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चर्चा करते हैं और यह सब एक अभियान के रूप में पूरे देश में मन की बात के कारण इसका निर्माण हुआ। चाहे सेल्फी विद डॉक्टर हो, स्टेच्यू क्लीनिंग का विषय हो, मिलेट का विषय हो, पर्यावरण का विषय हो, कोरोना के समय देश का आत्मबल बढ़ाना और देश को इस अभियान से जोड़ना कोरोना के खिलाफ, ऐसे संकट के समय में भी मन की बात ने देश के लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। सूर्यनगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 10 दिन बाद भी कोई सुध नहीं लेने पर नाराज पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों ने 3 दिन के अंतर चुनाव अधिसूचना जारी नहीं होने पर हड़ताल और आंदोलन की चेतावनी दी। नगर पंचायत छुरिया अध्यक्ष राजकुमार सिन्हा ने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 100 दिनों बाद भी चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होने से नाराज पार्षदों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के ऊपर जो है चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।